वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज आफ्टर एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट योर चैप्टर फर्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, यू सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अवर नेक्स्ट सेशन इज नेटवर्किंग फंडामेंटल। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट दिस नेटवर्क। स्टूडेंट, नेटवर्किंग फंडामेंटल को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं एक्चुअली में हमारा नेटवर्क होता क्या है। अब बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हमारे फोन्स में जो सिग्नल आते हैं वही हमारे नेटवर्क हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारे लैपटॉप में जो वाईफाई सिग्नल्स आ रहे हैं, इंटरनेट के लिए सिग्नल्स आ रहे हैं, यही हमारे नेटवर्क है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में नेटवर्क क्या होता है, हम चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे और फिर देखते हैं। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। व्हाट इज नेटवर्क? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। दे शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज एज वेल एज सॉफ्टवेयर डाटा। दैट मीन्स कि जब भी एक व्यक्ति एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या और सारे कंप्यूटर एक साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़ने के बाद अपने डाटा को शेयर करते हैं, अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। चलिए अब इसको एक बहुत इजी तरीके से समझते हैं। हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे और नाउ देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा क्या होता है। नाउ सी, मोबाइल सभी को पता है, ओके? तो मोबाइल्स को ही लेते हैं आज और मोबाइल के बारे में जानना सभी को पसंद है। तो चलिए हम बात करते हैं कंपनी की। नाम है आपका एप्पल ले लेते हैं। ये कंपनी सभी ने सुनी है। हम लोग यहाँ बैठ करके क्या करते हैं, इसको परचेज कर लेते हैं, हम लोगों को मिल जाता है, हमकी सर्विसेज मिल जाती हैं। लेकिन क्या ये कंपनी यहाँ पे फोन देने आती है? बिल्कुल नहीं। इसने क्या किया, इसने पहले एक कंपनी बनाई। यहाँ पे देखते हैं, एक मान लीजिए ये कंपनी बना दी, ये एप्पल का हेडक्वार्टर है। अब ये आपका कहाँ पे है? अब यहाँ पर इसका मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि अदर कंट्री में है। ये कंट्री वन है और ये कंट्री वन है और ये कंट्री टू, ये कंट्री वन है और ये कंट्री टू है। यहाँ पर इसका कंपनी है जो इसका वर्क करती है और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये अलग अलग कंट्रीज में डिलीवर होता है। हम बात कर लेते हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अब ये क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इंडिया में आ गया, अब ये इंडिया आ गया, अब इंडिया से क्या हुआ, हम लोग डायरेक्टली इंडिया से परचेज करते हैं। या अब इंडिया से क्या होगा कि हमारे स्टेट्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यूपी में रह रहे हैं और जा करके दिल्ली से फ़ोन खरीदें एप्पल का, नहीं ऐसा नहीं होता, अपने नियर बाई मार्केट से परचेस करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे कुछ स्टेट हो गए, ये मान लीजिए आपका यूपी हो गया, ये आपका मान लीजिए एमपी हो गया, ये आपका मान लीजिए बिहार हो गया, ये आपका मान लीजिए दिल्ली हो गया और इस तरीके से ये आपके स्टेट हो गया। अब मान लीजिए हम यूपी में रहते हैं, अब उसके बाद यूपी, अब ऐसा तो नहीं कि हम यूपी में रहते हैं, मान लीजिए कि हम कानपुर में रहते हैं और जाकर के नोएडा से फ़ोन परचेज करेंगे, नोएडा में इसका सर्विस सेंटर है तो नोएडा में परचेज करेंगे, ऐसा नहीं है। अब यूपी से क्या होता है, यूपी से इसके जो सर्विस सेंटर होते हैं या एप्पल स्टोर जिनको बोलते हैं हम लोग, वो होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कानपुर में है, अब यहाँ पर है आपका दिल्ली, यहाँ पर है नोएडा में है आपका, अलग अलग जगहों पर है, आपके एक यूपी स्टेट में कई जगहों पर है। अब यहाँ पर जैसे कानपुर में है, मान लीजिए कानपुर में दो हैं, ये आपका कानपुर हो गया। अब देखिए अब क्या तैयार हो गया, यानी कि एक कंपनी जो कि यहाँ पर है, स्टेबल है, इस कंट्री में स्टेबल है और इस कंट्री में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब यहाँ से वो क्या कर रही है, एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रही है। अब अगर मान लीजिए कि हमें अगर यहाँ से हम यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से अगर हमें यहाँ से फ़ोन खरीदना है, यहाँ से हमें यहाँ से फ़ोन खरीदना है, तो ये बहुत
लेंथी हो जाएगा कि हम पहले यूएसए खरीदें, पहले परमिशन लें, फिर टैक्सेस भरें अलग अलग तरीके के, और इस तरीके की चीजें करें। इससे बेहतर है क्या है कि इससे बेहतर हम यही कर लेते हैं कि एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमें मान लीजिए कि फोन में कोई प्रॉब्लम आई तो हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ पर जा करके इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा लेंगे। यही होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड आई एम एक्सप्लेन अगेन नाउ। सो स्टूडेंट्स, एक चीज बता दूं कि इसी वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? सो गिव द आंसर्स ऑल ऑफ यू। नाउ वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर मीन्स कि आपका नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। नेटवर्क आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। देयर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर्स। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर। तो अब हम लोग चलते हैं और पहले के बारे में समझते हैं, पीयर टू पीयर। सो व्हाट इज पीयर टू पीयर? नाउ नाउ यू सी, अब पीयर टू पीयर के लिए हम कैसे काम करते हैं? सपोज दैट कि हमारे पास चार नेटवर्क है। अब यहां पर हमने लिया, ये मान लीजिए कि SSO, ये हमारा कंप्यूटर वन है। अब चलिए मान लेते हैं हम अपने चलते हैं कंप्यूटर लाइब्रेरी। अब कंप्यूटर लाइब्रेरी तो आप सभी ने देखी होगी। अब कंप्यूटर लाइब्रेरी में क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि एक कंप्यूटर है, या अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा है तो हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सपोज दैट क्लास, ये है आपकी क्लास 10, ठीक है, बी, क्लास 10 बी। अब क्लास 10 बी में कुछ बच्चे हैं, लाइक इधर मान लीजिए आपका मन भावन हो गया, ये मन भावन एक हो गया, दूसरा मान लीजिए कि अमर हो गया, तीसरा ओम हो गया, चौथा आपकी मान लीजिए कि अजीता हो गई, अंजलि हो गई। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं। अब ये क्या है, ये सारे के सारे क्लास 10 बी के हैं। अब मन भावन इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, अब ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्ट है। अब सपोज दैट यहाँ पे हम बात करते हैं अजीता। अजीता हमारा कंप्यूटर, अजीता हमारी जो है वो कंप्यूटर 1 है, अमर जो है वो हमारा कंप्यूटर 2 है, मन भावन जो है हमारा कंप्यूटर 3 है, अंजलि जो है हमारा कंप्यूटर 4 है, और ओम जो है हमारा कंप्यूटर 5 है। नाउ यू सी द बेस्ट थिंग्स इज हियर, दीज आर आवर कंप्यूटर्स। एंड अब ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही चीज से जुड़े हैं। वो क्या, ये सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं और क्लास 10 बी में, क्लास 10 में भी पढ़ते हैं। अब इनको क्या करना है, अब ये एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। नाउ सी इन द पिक्चर, पीयर टू पीयर इज आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर इन विच ईच वर्क स्टेशन और नोड हैज द सेम कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ऑफ्टन द कंपेयर एंड दैट मीन्स। अब इसको इसी तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो मन भावन है, मन भावन को भी पास भी वही सेम पावर है, वह एक स्टूडेंट है, और जितनी अमर के पास है, जितनी अजीता के पास है, जितनी ओम के पास है, और जितनी अंजलि के पास है, ये सारे के पास सेम पावर है, और सेम तरीके से पढ़ते हैं, सेम तरीके से सेम टीचर्स इनको हैंडल करता है, सेम टीचर्स इनको लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। नाउ अब ये क्या है, वो एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मन भवन के पास है वो शायद वो इससे शेयर कर रहा है, वो इससे शेयर कर रहा है, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन अमर के पास है वो अमर अजीता से शेयर कर रहा है। अब अजीता के पास जो है वो ओम से शेयर कर रही है। अब ओम के पास जो है वो अंजलि से शेयर कर रही है। अब अंजलि अंजलि अपना जो है वो यहाँ पर अंजलि
अंजलि जो है, अंजलि मन भावन से शेयर कर रही है, और मन भावन जो अपना डाटा है वो अंजलि से शेयर कर रही है, सॉरी कर रहा है, और मन भावन का इधर से जो मन भावन अपना डाटा अमर को भी शेयर कर रहा है, और अमर जो है अपना डाटा मन भावन को भी शेयर कर रहा है। इधर से अमन जो, या अपना डाटा कह ले या मन भावन वाला डाटा है जो, वो अंजलि से शेयर कर रहा है और सॉरी अजीता से शेयर कर रहा है, और अजीता जो है वो अपना डाटा अमर से शेयर कर रही है। तो यही एक आर्किटेक्चर है, यही हमारा एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, जिसमें कि क्या होता है कि जितने नोड होते हैं वो आपस में सेम कैपेबिलिटीज रखते हैं, सेम पावर रखते हैं, और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आई थिंक यू इंटरेस्ट इन द लेक्चर नाउ। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट इज आर्किटेक्चर, सॉरी वॉट इज नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। ओके, गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वॉट इज योर कंप्यूटर या वॉट इज योर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। नाउ नेक्स्ट वन इज, सो अब हम चलते हैं और दूसरा वाला अपना देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। ये हो गया हमारा पीयर टू पीयर, और जिस तरीके से यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पीयर टू पीयर में क्या है, अब यहां पर इस तरीके से तो शेयर हो गया है। अब सपोज कि ये जो है अंजलि यहाँ मन भावन से भी जुड़ी हुई है, चलिए हम फिर से इसको डायग्राम को बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा हो गया। तो ये यहाँ पर मन भावन, ओके, मैं एक सिर्फ नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर अमर था, यहाँ पे अजीता, यहाँ पर ओम, और यहाँ पर हमारा हमारी अंजलि, ओके। सो अब ये क्या थे, ये आपके कंप्यूटर 1, 2 के 3 के नाम से थे, कंप्यूटर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो गया। अब इनको कैसे हम कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, मन भावन को इस तरीके से कनेक्ट किया, इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, इसको इस तरीके से कनेक्ट किया, और इसको इस तरीके से कनेक्ट किया। अब ये देखिए कि इस डायग्राम में सभी लोग आपस में कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर ये देखिए कि मन भावन और अजिता आपस में कुछ सॉरी अंजलि आपस में तो डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर अंजलि यहां पर चाहे तो अमर को डाटा नहीं शेयर कर सकती है। सो अब क्या करना है, हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करा देंगे, और ये इससे तो कनेक्ट है ही है ऑलरेडी, और इसको हम कुछ इस तरीके से ले जा करके यहाँ पर अजिता से कनेक्ट करा दिया। अब ये देखिए कि ये जो अंजलि है, अंजलि मन भावन से कनेक्ट है, अंजलि अमर से कनेक्ट है, अंजलि अजिता से कनेक्ट है, और अंजलि ओम से कनेक्ट है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, जैसे ओम है, ओम को हमने ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ओम जो है अजिता से कनेक्ट है, ओम जो है अंजलि से कनेक्ट है, तो ओम को हम अमर से कनेक्ट करा देंगे, और ओम को हम मन भावन से कनेक्ट करा देंगे। ये हो गया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट वन, अब कौन बचा, अजीता, अजीता ओम से कनेक्ट है और इधर अमर से कनेक्ट है। नाउ अब हम लेते हैं अजीता को, और अजीता को हम अंजलि से कनेक्ट करा दिया, और अंजलि को हमने सॉरी अजीता को इधर मन भावन से। अब ये देखिए कि अब बचे कौन, मन भावन बचे, तो मन भावन को लेते हैं, और मन भावन को हमें कनेक्ट कराना है, मन भावन अंजलि से कनेक्टेड है और यहाँ पर अमर से कनेक्टेड है। नाउ हम मन भावन को ओम से कनेक्ट करा देंगे, और मन भावन को इधर अजीता से कनेक्ट करा देंगे। अब देखिए कि सभी, चाहे वो मन भावन हो, अंजलि हो, अजीता हो, या अमर हो, या ओम हो, सबके सब अपना डाटा एक दूसरे से बहुत इजी तरीके से शेयर कर पा रहे हैं। नाउ वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसा इस पिक्चर में भी आराम से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए, इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट पॉइंट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो व्हाट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब देखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम फिर से अपना वही ले लेते हैं और अब समझते हैं। हम पहले यहां पे एक बना लेते हैं क्लाइंट अपना, ये मान लीजिए कि हमारा सर्वर है। अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।
मान लीजिए कि मैं और यहां पर मैं हूं सर आपके। अब देखते हैं, ये मंदावन हो गया, ये अजीता हो गया सर हो गई, और ये ओम हो गया तीन। ठीक है, अब इनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब अजीता को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अजीता ने बोला कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ कैसे होनी है। तो मैंने क्या कहा कि बेटा मुझे तो नॉलेज नहीं है, रुकिए मैं चलता हूँ, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। और मैं गया कहाँ पे, मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट के पास गया या विकास सर के पास गया और उनसे बोला कि सर एक्चुअली अजीता को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसका प्रॉब्लम इसकी सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बताया नहीं सर ये ऐसे ऐसा सॉल्यूशन है, मैंने वो सॉल्यूशन ला करके अजीता को बता दिया। तो यही होता है क्लाइंट सर्वर का मॉडल। हमारे पास एक सर्वर होता है और एक यूज़र सॉरी एक क्लाइंट होता है। हमें उस सर्वर से कोई भी डाटा चाहिए होता है तो हम पहले क्लाइंट को कॉल करते हैं और क्लाइंट जो होता है हमारा वो सर्वर को कॉल करता है, सर्वर से इंफॉर्मेशन लेता है, देन क्लाइंट जो है हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो चलिए अभी हेडिंग देख लेते हैं और नाउ समझते हैं इसको। ये देखिए, अ क्लाइंट सर्वर मॉडल इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखिए ये हमारा सर्वर है, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए ये हमारा क्लाइंट है ये वाला, और मान लीजिए कि ये सर्वर वही मैनेजमेंट है और यहाँ पर मैं एक क्लाइंट हूँ और ये आप लोग हैं। अब समझ गए, आई थिंक कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो आपके दो क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सर्वर एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्लाइंट। सो आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। I think you all understand. Now we discuss next part in our next video. Thank you. If you like the video, please hit the subscribe button. Thank you.